हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बिगनर्स के लिए या फिर जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आर्टिस्ट हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्टिस्टिक ड्राइंग्स के बारे में और रियलिस्टिक ड्राइंग्स के बारे में। तो काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग्स कौन सी होती हैं और रियलिस्टिक ड्राइंग्स कौन सी होती हैं। रियलिस्टिक ड्राइंग्स वो होती हैं जो आप अपने फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग टेक्सचर, जो फोटोग्राफ में आपका टेक्सचर है और मेजरमेंट वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट आप ड्रॉ कर पाओ, और जो टेक्सचर है जो भी आप क्लोथ का, फेस का या फिर कोई भी मटेरियल आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी मेटल आप ड्रॉ कर रहे हो, उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे आपकी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो आपको अगर रियलिस्टिक सेम वैसा ही ड्रॉ करना आता है तो वो रियलिस्टिक होता है। और आर्टिस्टिक वो होता है कि आप अपने हिसाब से ड्रॉ करो, ज़्यादा टाइम लगा के ड्रॉ मत करो, और अपने आइडिया को उसमें रिप्रेजेंट करो थोड़ा बहुत कहीं से देख के, जो भी मतलब अपने आइडिया कहीं से देखा है उसको आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करो, कुछ इसमें अपना इनपुट डालो, कुछ क्रिएटिव उसमें आइडिया लगाओ, उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक। या फिर कोई अगर स्केच ड्रॉ कर रहे हो तो स्केच आप जल्दी जल्दी रफली ड्रॉ करो, ज़्यादा टाइम लगा के उसको बिल्कुल रियलिस्टिक मत ड्रॉ करो, चारकोल या ग्रेफाइट कर उसको जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ करो। तो इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक, दोनों में डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे बेसिकली तो मैं आजकल रियलिस्टिक ही ड्राइंग करता हूँ सबसे ज़्यादा, वो मैं आपको क्यों करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले एक बार ड्राइंग दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे इन दोनों से रिलेटेड, और एक बात और आपकी क्लियर हो जाएगी कि टाइम लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करना है अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, वो सुंदर ड्रॉ करना है, तो टाइम लगाना क्यों ज़रूरी है, टाइम आपका लगेगा ही लगेगा, वो भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ एक जल्दी जल्दी एक स्केच, तो लेट्स सी। सो गाइस, ये फोटोग्राफ है जो कि मैं अब ड्रॉ करूँगा, ये मैंने पहले भी ड्रॉ की थी रियलिस्टिक, बट अब की बार मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा, बहुत जल्दी अपने हाथ चलाऊँगा, और इसमें मैं यूज़ करूँगा 2B ग्रेफाइट पेंसिल और चारकोल पेंसिल सॉफ्ट वाली। तो चलिए जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, और वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में मुझे आपको काफ़ी कुछ समझाना है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस तो यही है आपको समझाना आर्टिस्टिक और रियलिस्टिक में डिफरेंस क्या है, और काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको लास्ट में। तो चलिए अब देखते हैं। सो गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ किया ओनली 21 मिनट्स में। इतने में तो मैं आउटलाइंस भी कभी ड्रॉ नहीं करता कंप्लीट। तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, बट बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं, और शेडिंग वगैरह भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे बिल्कुल डार्क होना चाहिए था, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट होना चाहिए था। तो इसको मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसको मैंने पहले ड्रॉ किया था बिल्कुल रियलिस्टिक, तो इन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जो मैंने पहले किया था उसको बिल्कुल अच्छे से टाइम लगा के, अच्छे से आउटलाइंस को ड्रॉ करके, बिल्कुल एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके, डार्क एरियाज को डार्क करके, लाइट एरियाज को लाइट करके, तो उस तरह से मैंने ड्रॉ किया था। बट अब की बार मैंने ओनली 21 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर दिया है। सो ये डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है दोनों में। अगर आपको आर्टिस्टिक रिजल्ट्स चाहिए तो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाता है, हमको जल्दी जल्दी ड्रॉ करना पड़ता है। बट अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक चाहिए, जैसे मैंने लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया है, उसमें देखो आइज़, नोज़, डेप्थ वाले एरियाज सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट मैंने ड्रॉ किया है अच्छे से टाइम लगा के, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है। अदरवाइज़ आपको आर्टिस्टिक बनाना है, जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, रफली ड्रॉ करना है प्रैक्टिस के लिए, तब आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट और रियलिस्टिक आपसे तभी ड्रॉ होगा जब उसमें शेडिंग प्रॉपर तरह से होगी, जो डार्क एरियाज है वहाँ पर डार्क होंगे, जैसे कि आइज़ के आसपास का एरिया है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था उसमें देखो, मतलब अच्छे से मैंने शेडिंग किया, बट जो अब किया है वो कंप्लीट फेस पे जो शेडिंग है वो फीकी फीकी लग रही है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। इसको मैं अच्छा भी कर सकता हूँ अगर इसमें और टाइम लगाऊंगा, जैसे मैं 20 मिनट्स लगाए, अगर 40 मिनट्स लगाता तो और अच्छा बन जाता, 60 और अच्छा, 80 में और अच्छा। तो ये टाइम पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा मैं शेडिंग करूँगा उस पर डिपेंड करता है। 20 मिनट्स में तो आइज़ की डिटेलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है, मैंने तो कंप्लीट स्केच ड्रॉ कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है आपको समझनी पड़ेगी। हेयर देखो, जो मैंने पहले ड्रॉ किए थे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने सेम स्केच ड्रॉ किया है ताकि आपको पहले की दिखाऊं और अब की दिखाऊं, तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिले। तो देख सकते हैं आप। सो गाइस, आपने देखा किस तरह से मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल जल्दी जल्दी में, बट अगर मैं टाइम लगा के ड्रॉ करता, सबसे पहले चीज़ मुझे आउटलाइंस को बिल्कुल स्लोली ड्रॉ करना पड़ता,
एक एक पार्ट को अच्छे से मेजर करके मैंने जल्दी जल्दी में किया इस तरह से, मतलब पेंसिल को मेजर करके। अगर मैं पेंसिल को बिना मेजर करे भी करता तो उसमें भी मुझे एक या डेढ़ घंटा तो लग ही जाता, मतलब ऐसे ही देख के ड्रॉ करता तब मुझे एक या डेढ़ घंटा लग ही जाता, बट मैंने पेंसिल को मेजर किया जल्दी जल्दी करने के लिए, फिर भी मुझे मतलब थोड़ा बहुत एक्यूरेट ड्रॉ हो पाया, ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाया। और कंप्लीट ए फोर पर ड्रॉ किया कंप्लीट फेस, तो उसमें तो वैसे भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं आप ड्रॉ करते हैं बिगनर तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होता अगर आपको आर्टिस्टिक रिजल्ट्स चाहिए तो। अगर आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है तो बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए आपको टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। और जो भी डेप्थ वाले एरियाज मैंने आपको दिखाए, डेप्थ वाले एरियाज में बिल्कुल जो शेडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, प्रॉपर करनी है, मान लो फोटोग्राफ की अकॉर्डिंग करनी है, जहाँ पर डार्क है जहाँ पर लाइट है, एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके, तो टाइम तो लगना ही लगना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जैसे मान लो मैंने लगाए ओनली 20 मिनट, ओके तो 20 मिनट लगाया, अगर मैं 40 मिनट्स लगाता तो थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट हो जाता, 60 मिनट्स लगाता थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाता, 80 मिनट्स लगाता थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कितना टाइम मैं लगाता हूँ उस पर, एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके। और मैं आजकल ऐसा ही करता हूँ, मतलब टाइम अच्छे से लगाता हूँ बिल्कुल, जब तक मतलब चाहे 80 मिनट्स लगे, चाहे कितना मतलब कितना भी टाइम लगे, चाहे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, बट मैं ट्राई करता हूँ कि एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसका टेक्सचर ड्रॉ करने की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम लगाना क्यों ज़रूरी है अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो, आर्टिस्टिक बनानी है रफली ड्रॉ करना है जल्दी जल्दी बना करना है तो इसी तरह से ड्रॉ हो पाएगा। और रियलिस्टिक क्यों ड्रॉ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रियलिज्म सबसे पहली चीज़ है अगर आपको आर्ट फील्ड में आना है तो। रियलिज्म अगर आपको आता होगा तब आप आर्टिस्टिक भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर आपको ड्राइंग आप जो देख पा रहे हैं उसको, अगर आप कोई फोटोग्राफर या फिर कोई भी देख चीज़ देख पा रहे हैं आप स्टिल लाइफ वगैरह, अगर आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट, उसका टेक्सचर आपको पता है, अगर आपको चीज़ों के टेक्सचर पता है तभी तो आप उसको बिना देखे ड्रॉ कर पाओ। अगर आप किसी चीज़ को देख के ड्रॉ कर सकते हो तभी तो आप उसको बिना देखे ड्रॉ कर पाओगे, देख के ड्रॉ करोगे। मान लो आपने 1000 2000 3000 स्केचेस इस तरह से ड्रॉ कर लिए, या फिर 3000 ड्राइंग्स कोई भी स्टिल लाइफ या फिर कोई भी आपने कुछ भी ड्रॉ करा, तो उसमें से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि रियलिस्टिक ड्रॉ करोगे तो आपको टेक्सचर का पता चलेगा किस चीज़ का क्या टेक्सचर होता है, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि टेक्सचर सबसे मेन होता है अगर रियलिस्टिक ड्रॉइंग बनाने में। तो टेक्सचर आपको सीखते रहना, ये नहीं है कि ड्रॉ कर दिया। मैं सीखता रहता हूँ हर ड्रॉइंग में, और आपने देखा होगा मैं आजकल डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जैसे कि वेनम और डेडपूल और डिफरेंट चीज़ें मैं जैसे कि 2.0 की बनाई थी, तो इनमें जो टेक्सचर था वो सबसे डिफरेंट था। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, रियलिस्टिक ड्राइंग करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरे को रियलिज्म मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो रियलिज्म मेरा जब अच्छा हो जाएगा तो मैं आर्टिस्टिक भी बनाने लग जाऊँगा। सो गाइस, रियलिस्टिक ड्रॉ करना आना चाहिए अगर आप एक आर्टिस्ट बनने जाते हैं तो। ये बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको टेक्सचर समझना होता है, थोड़ा टाइम लगाना होता है, और ये अगर आपको आ गया तो आप आर्टिस्टिक रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से पा सकते हैं। ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, इनमें तो कलर का भी मतलब फ़र्क पड़ता है, आपको कलर की नॉलेज भी होनी चाहिए कहाँ पे कौन से कलर हैं। बाय द वे, टेक्सचर आपको इसी चीज़ से आएगा, शेडिंग की प्रैक्टिस करो। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ, कि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ रियलिज्म में, और मैंने हर तरह का टेक्सचर ड्रॉ नहीं किया है। दुनिया में कितनी सारे टेक्सचर हैं, कितने सारे मतलब मेरे से बिल्कुल एक्यूरेट भी ड्रॉ नहीं हो पाता है कई बार, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट बनना है। परफेक्ट तो मुझे कोई होता नहीं है, बट फिर भी मतलब एक होता है ना लेवल की हर टेक्सचर मुझे मतलब माइंड में याद है उसका टेक्सचर इस तरह का होता है, तो मैं बिना देखे भी ड्रॉ कर पाऊँ। वैसे अब मैं कर तो सकता हूँ बिना देखे काफ़ी चीज़ें ड्रॉ, बट फिर भी मैं नहीं करता हूँ। और एक चीज़ और है, अगर रियलिस्टिक ड्रॉ मैं क्यों करता हूँ, ये अट्रैक्टिव होता है, ये आपको अगर आता होगा तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा आपको, लोग पसंद करेंगे, लोग आपको कमीशन वर्क सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो रियलिज्म होता है तभी आपको कमीशन वर्क ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो फोटोग्राफ मतलब बिल्कुल एक्यूरेट मांगते हैं, रियलिस्टिक मांगते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये फोटोग्राफ की तरह हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मतलब फोटोग्राफ की तरह ड्रॉ कर दिया तो फोटोग्राफी करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी हमारी फोटोग्राफ होती है और ड्राइंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, अगर आप उसको पास से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। फोटोग्राफ इतनी अच्छी नहीं लगती कि वो फोटोग्राफ होती है, बट जो ड्राइंग होती है रियलिस्टिक वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी मेरे को जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं ना, मतलब किसी एक मुझे मान लो क्लाइंट ने ऑर्डर किया तो वो दोबारा ऑर्डर जरूर करता है मुझे, क्योंकि उसको पसंद आती है, और आसपास के लोग तो इतने ऑर्डर करते हैं, तो क्योंकि एक बार किसी ने बनवाया तो उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है किसी को गिफ्ट करना हो तो। और काफ़ी लिटरली देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फोटोग्राफ से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए लोग कमीशन वर्क ऑर्डर करते हैं ब्लैक एंड वाइट में, कलर पेंसिल्स में।
तो रियलिस्टिक ड्रॉ करना इसीलिए आपको आना चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, आपको टेक्सचर की नॉलेज हो जाती है। टेक्सचर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट की फील्ड में। आपको अगर टेक्सचर की नॉलेज होगी तभी आप कुछ क्रिएटिव ड्रॉ कर पाओगे, तभी आप कोई भी सीनरी अगर आपको डेवलप करनी है तो उसमें, मान लो सीनरी में आपको कोई पेड़ ड्रॉ करना है, कोई पत्थर ड्रॉ करना है, कोई टेबल ड्रॉ करना है, कोई बिल्डिंग ड्रॉ करनी है, तो उनका टेक्सचर क्या होगा वो तो आपको पता होना चाहिए ना, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा उनका वो तो आपको पता होना चाहिए ना, उनकी शेप क्या होगी वो तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव सीखना पड़ेगा, शेडिंग सीखनी पड़ेगी, रियलिज्म सीखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी सीखनी चाहिए। इसीलिए मैं रियलिस्टिक ड्राइंग सबसे ज़्यादा ड्रॉ करता हूँ, तो यही मेन रीज़न है। और आर्टिस्टिक भी मैं ड्रॉ करता रहता हूँ, मतलब रफली कुछ ड्रॉ करना हो बट मैं उसको दिखाता नहीं आपको, क्योंकि वो पसंद नहीं आती। जो भी मतलब मेरी जो रियलिस्टिक ड्राइंग है वही आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए मैं वही ज़्यादा अपलोड करता हूँ। और कभी थोड़ी सी भी मतलब मिस्टेक हो मेरे स्केच में तो आप कमेंट करते हो वीडियो में कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो अगर मैं आर्टिस्टिक ड्रॉ करने लग जाऊँ, मतलब कम टाइम में ड्रॉ करने लग जाऊँ, तब तो आप मतलब फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं रियलिस्टिक ड्रॉ करता हूँ। रियलिस्टिक ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, टेक्सचर की नॉलेज हो जाती है। मैं हर स्केच से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ अभी। मैं मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ इतना बड़ा आर्टिस्ट की मतलब मैं कुछ क्रिएटिविटी मतलब दिखा पाऊँ। वैसे मैं प्रैक्टिस तो करता रहता हूँ, डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करता रहता हूँ। अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ों को। हर चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है, हर चीज़ की मुझे टेक्सचर ड्रॉ करना है, हर चीज़ का मुझे टेक्सचर सीखना है। तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यही मेन रीज़न है कि मैं अभी रियलिस्टिक पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। आप लोगों को पसंद आता है इसीलिए मैं रियलिस्टिक ही ज़्यादा अपलोड करता हूँ, आर्टिस्टिक बिल्कुल भी आपको दिखाता नहीं हूँ, चाहे मैं ड्रॉ करता हूँ। आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा मैं रियलिस्टिक ड्रॉइंग क्यों करता हूँ, फोटोग्राफ की तरह क्यों करता हूँ। वो अगर आप असली में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, फोटोग्राफ की तरह नहीं होती है बिल्कुल, फोटोग्राफ की तरह वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप रियल में देखेंगे तो मेरी ड्रॉइंग्स को। कभी अगर मीटअप करेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, मेरी जो डिस्प्ले बुक है वो मैं लेके आऊंगा, कभी मीटअप करेंगे तो ज़रूर दिखाऊंगा। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने देख भी रखे हैं, जो भी मतलब मेरे से मिल रखे हैं तो उन्होंने देख भी रखे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि रियल में कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और फोटोग्राफ से काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे कमीशन वर्क एक ही क्लाइंट से बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, इसीलिए मैं आर्टिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ। जो भी बोल रहे थे कि मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी ही है, ये स्टेज होती है एक आर्ट फील्ड की, कि आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करना आना चाहिए, हर पेपर पे ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे कि मैं पहले आइवरी का यूज़ करता था, आजकल मैं रफ़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा मेरी टेक्निक्स चेंज होती जा रही हैं, मेरी जो मेथड है वो चेंज होते जा रहे हैं, मेरी पेंसिल चेंज होती जा रही है, मटेरियल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपग्रेड हो रहे हैं तो। अपग्रेड अगर आप वहीं के वहीं हैं, जैसे कि मैं पहले सिंपल आर्ट लाइन पेंसिल का यूज़ करता था और सिंपल आइवरी पेपर का यूज़ करता था, मतलब अगर मैं ये कहता था कि हाँ ऐसे ही ड्रॉ करता रहूँगा तो ऐसा नहीं होता है। आप मतलब अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेड होगे तभी आप बहुत कुछ सीखोगे। इसी तरह से मैं अपग्रेड होता रहता हूँ डेली, डिफरेंट मटेरियल यूज़ करता रहता हूँ, डिफरेंट टेक्स्चर ड्रॉ करता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बस यही रीज़न था। जो भी अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पहले ही कुछ पोस्ट डाल देता हूँ जो भी अगर मुझे अपलोड करना हो तो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।